स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं अफशां। किसान मोर्चे की मांग, अपनी फसल को सही मोल मिले। लिंगायत के पंचमसाली जगतगुरु महापीठ की ओर से देश के गरीब मुख्यमंत्री को सम्मान। बीजापुर के नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की 3 महीने से तनख्वाह ना देने पर प्रतिभटने। जिला कांग्रेस महिला मोर्चे की जानिब से नोटबंदी पर आक्रोश। कर्नाटक सरकार के मैसूर संदल इंटरनेशनल उत्पादन मंडली की ओर से राज्य निगम के अध्यक्ष नागठान मत क्षेत्र के विधायक प्रोफेसर राजू अलगुर ने की प्रेस मीट। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की ओर से 5,050 रुपये निर्धारित दर तोर की फसल पर मिलने से राज्य सरकार के अतिरिक्त 400 रुपये करने से 5,450 दर निर्धारित करने से नाखुश किसानों ने बढ़ते हुए मजदूरी को नजर में रखते हुए 7,000 तक का मोल बढ़ाने की मांग की और किसानों का कर्ज माफ करवाने के लिए केंद्र सरकार को आग्रह किया। प्रारंभ से रैतर साल मन्ना बेजवाबदारी केंद्र सरकार के एल्ला उद्यमदार साल मन्ना ಮಾಡಿದಕಂತ केंद्र सरकार ಸುಮಾರು 114,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ ದೇಶದ ಉದ್ಯಮದಾರರದು. ಇವತ್ತು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಾಗದೆ ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆಗಳು ಕೂಡ ಕೈಗೆಟಕದೆ ಸಾಲಗಾರರಾಗಿ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿರಿ, ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರ ಥರ ಕಚ್ಚಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಈ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೈತರು ಬರೆದಂಥ ತೊಗರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 5,050 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 450 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 5,500 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ವರ್ಷ ರೈತರು ಈ ತೊಗರಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ 5,500 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಇದೆ ಇದು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ರೈತರಿಗೆ ಕೈಗೆಟಕೋದಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ನಮಗೆ 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ರೈತಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ लिंगायत पंचमसाली जगतगुरु महापीठ धर्मक्षेत्र कुड़ल संगम की ओर से भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री कहलाने वाले त्रिपुर राज्य के मुख्यमंत्री श्री मानिक सरकार को 2017 का राष्ट्रीय बसवा कृषि प्रशस्ति देने का ऐलान किया। ये कार्यक्रम 15 जनवरी 2017 को कुड़ल संगम में होने जा रहा है। लिंगायत पंचमसाली जगतगुरु महापीठ से 2017 का प्रेस्टीजियस अवार्ड को राष्ट्रीय बसव कृषि सम्मान को हर साल त्रिपुर राज्य का सम्मान्य मुख्यमंत्री माननीय सरकार को हर साल का प्रशस्ति को सम्मान करने के लिए हमने संकल्प किया था। 2017 जनवरी 15 12 बजे कुड़ल संगम क्षेत्र में बड़ा कार्यक्रम का संदर्भ में त्रिपुर राज्य का चार बार मुख्यमंत्री बनाए के लिए बड़ा काम किया था, किसानों को कार्मिकों को बड़ा काम किया था। उस मानिक सरकार को हमारा श्रीपीठ का राष्ट्रीय बसव कृषि पुरस्कार को हमने देने के लिए बहुत खुशी हो गया। इन दिस वे सभी किसानों और कार्मिकों और कर्नाटक लोगों ने उस कार्यक्रम को जरूर आए कि हमने आमंत्रण किया था। 2017 का राष्ट्रीय बसव कृषि प्रशस्ति में 1,00,000 रुपये पुरस्कार और हमारा किसानों का गन्ना को सम्मान करने के लिए हमने तैयारी किया था। इसलिए यह आदर्श और अर्थपूर्ण कार्यक्रम को सभी राज्यों का सभी हमारा कर्नाटक और देशवासी लोगों ने आने के लिए हमारे कार्यक्रम को यशस्वी करने के लिए हमको इस मीडिया से सभी लोगों को हमने इन्वाइट किया था। देश के ऐतिहासिक शहर बीजापुर के नगर निगम की सफाई कर्मचारियों को पिछले 3 महीने की तनख्वाह ना देने पर CITU संगठना के सहयोग में डॉक्टर अंबेडकर चौक से लेकर जिला अधिकारी के दफ्तर तक प्रतिभटना रैली निकाली। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए जिला अधिकारी को निवेदन पत्र दिया।
तीन महीने से वेतन और पीएफ ईएसआई सब सब भी नहीं दे रहे, इसलिए हम ये होराट चल रहे हैं। ये होराट, ये वेतन मिलते तक हम होराट करेंगे। ये होराट वो हमारा ये वेतन देने तक हम मुस्कर में ये रहते हैं। नगर निगम के महापौर श्रीमती दृश बक्सी और जिला कांग्रेस महिला मोर्चे की मुखिया के सहयोग में केंद्र सरकार के नोटबंदी नीति को गलत तरीका ठहराते हुए आक्रोश व्यक्त किया और मोदी सरकार के विरोध में नारे लगाए। सभी को नमस्कार। ये जो नोट जो बैन करे, जो पब्लिक को जो प्रॉब्लम्स हो रही, बहुत सारे पब्लिक को, खास करके गरीब लोगों को बहुत सारी तकलीफें सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स जो भी कोई सॉल्व होती, कितने सारे एम्प्लॉयज़ रहते, चिल्ड्रंस रहते या बूढ़े लोग रहते, उनको कितनी तकलीफ हो रही। बहुत से लोग तो ये हादसे में गुजर भी गए। तो इसके लिए जल्द से जल्द अगर ये जो भी कार्रवाई जो इसके खिलाफ लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, पब्लिक को भी सॉल्व होगा। वो अपना सभी काम छोड़ के इसके पीछे जाना पड़ रहा है, उनको डेली लाइन में खड़े रह के कितने तो प्रॉब्लम्स फेस का आउट करना पड़ रहा है। तो इसके लिए मैं गुजारिश करती हूँ कि सभी अगर ये कार्रवाई जल्द से जल्द अगर बंद करें तो पब्लिक को भी थोड़ा राहत होगी, सभी की तकलीफें ख़त्म हो जाएगी। किसको संदेश देना चाहते हैं? मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी देना चाहती हूँ, या जो भी स्टेट लेवल जो सीएम है, जो भी हैं, जो हेड हमारे से हैं, तो उन्हीं को बोलती हूँ, जो भी है सोल्यूशन सॉल्व करना चाहिए प्रॉब्लम्स का। क्योंकि जो भी हम लोग रिप्रेजेंटेटिव, वी आर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, तो जो भी है, जो फार्मर्स लोगों को हैरेस हो रहा है, इन लोगों को तकलीफ हो रही, तो जो भी इनका प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे तक आते हैं, सो वी हैव टू सॉल्व। तो हमको सॉल्व करना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमें जो सीएम है, जो पीएम, जो भी है, जो हेड है, तो उनको संदेश देना चाह रही हूँ कि जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरी करें। जय हिंद, जय कर्नाटका। कर्नाटका सरकार के मैसूर संडल इंटरनेशनल उत्पादन मंडली की ओर से राजा निगम के अध्यक्ष नागठान मध्य क्षेत्र के एमएलए प्रोफेसर राजू अलगुर ने प्रेस मीट में बात करते हुए कहा कि इस निगम के देश में ही काफी मांग होने से इस वर्ष में 327 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जबकि 60 करोड़ इजाफा होने की उम्मीद जताई है। बीजापुर शहर में 10 दिनों का व्यापार मेला मैसूर संडल सोप एमएसआईएल की ओर से प्रदर्शन के साथ चलाया जाएगा। इस मेले में आसपास के 5 राज्यों के लोग आने की उम्मीद जताई। अत्यंत कूड़ा प्रख्याति पड़े मारुकटे भारत देश अस्ट वदेश सुमार 9 देश मार्केट है, माराट है, मलिगे ख्याति कर्नाटक के गौरव तरतको ಒಂದು ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಾಬೂನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸುಮಾರು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಂಧದನೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀಗಂಧದನೆ ಸಾಬೂನು ತಯಾರು ಘಟಕ 100. ಆರ್ ಖಬರೋಂಕೆ ಲಿಯೇ ದೇಖ್ತೆ ರಹಿಯೇ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್.